जो इसका मॉइस्चर है वो 100% होगा, पूरा पानी ना बह रहा होगा, आप निकालेंगे देखो बहुत पानी होगा, आप ऐसे दबाओगे भी तो उस तरीके से पानी निकलने लगेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि इसका मॉइस्चर डाउन करना पड़ेगा, इसके मॉइस्चर को कम करना पड़ेगा। 24 घंटे का जो रेस्ट पीरियड देंगे इसको, उस रेस्ट पीरियड में वो 100% से 50% आएगा मॉइस्चर, जो उसकी जो नमी है भूसे की वो 100% से 50% डाउन होगी। दूसरी चीज, अगर आपने इसकी फॉर्मूले इस्तेमाल किया है तो वो एक गैस है, वो आप जब 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो वो जो उसकी फ्यूम जो गैस होती है वो सारी भूसे से निकल जाएगी। अगर वो थोड़ा सा भी भूसे में रहेगा तो वो मशरूम का जो बीज है, जो वो स्पॉन है, उसको वो खत्म कर देगा। तो सबसे पहली पहचान ये कि आप उसको 24 घंटे को जो बनाएंगे तो वो पूरी की पूरी जो फॉर्मलिन है वो भी उसमें से खत्म या कम, बहुत हद तक कम हो जाएगी, धूप में नहीं। पहली चीज, अगर आप सर्दियों में कर रहे हो तो आप ये भूसा आराम से धूप के नीचे 2-3-4 फुट 5 फुट हाइट तक कर सकते हो, पर अगर गर्मी में आप करोगे तो यही भूसा आपका 1 फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए, 1 फीट से भी कम, ऊपर छाया होनी चाहिए, प्रॉपर शेड होना चाहिए और गर्मी नहीं होनी चाहिए। तो ये इसका कारण है कि ये जो गर्मी, अगर आप उतना ज्यादा भूसे की हाइट बढ़ाएंगे, धीरे धीरे जैसे आप हाइट बढ़ाएंगे तो भूसा क्या पकड़ेगा, गर्मी पकड़ेगा। आप जिसकी भी हाइट बढ़ाओगे तो जितनी हाइट होती है उतना हीट, या हीट क्या करता है, वो गर्मी पकड़ता है, और जब वो गर्मी या हीट पकड़ लेगा तब आप हीट क्या करती है, मॉइस्चर यानी कि नमी को पकड़ लेती है, ट्रैप कर लेती है, तो आपका ना मॉइस्चर डाउन होगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। याद रखिएगा कि जब आप भूसे को टच करें 24 घंटे बाद तो आपका भूसा ठंडा होना चाहिए, नॉर्मल आपको ठंडक महसूस होनी चाहिए, उसमें से गर्माहट उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो उसको बहुत ही हल्के हाथ से फैलाएंगे, सारी चीजें आपको बताएंगे भी कि आपको किस तरीके से उसको ट्रीट करना है, बहुत हल्के हाथ से आपको पूरा सब हिलाना पड़ेगा, बहुत हल्के हाथ से। अगर हल्का सा भी उस भूसे को आपने दबा दिया तो क्या होगा, जो एयर पास होनी है उसके अंदर से, हवा जो आर पार जा रही है वो आर पार नहीं जा पाएगी। तो ये आपको चीजें ध्यान देनी है, कल जब आप करेंगे तो दोबारा से आप लोगों को बताया जाएगा। मैं बार बार आपको इस चीज पर इसलिए फोकस कर रही हूँ कि किताब या गूगल या कहीं भी आप जाएंगे तो आपको ये बात नहीं पता चलेगी, ये मुझे भी इसलिए पता चली क्योंकि कुछ गलतियां मैंने करी और मैंने उसे भी सीखा है। ये उसी को पता चलता है जो प्रैक्टिकली काम कर रहा होता है, जो ऑन द प्रैक्टिस में होता है। ऐसे नहीं कि एक फसल आज लगाई, एक फसल 6 महीने बाद लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाना। रोज एक किसान के तौर पर बैक टू बैक अपनी फसल लगाने में लगे हुए हैं, तो उस तरीके से सीख भी रहे। जो भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको ऐसे करना है, ऐसे लगाना है, इतनी देर के लिए छोड़ना है, ये सारा का सारा जो प्रैक्टिकली हम लोगों ने खुद प्रैक्टिस किया और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको समझा रही हूँ, इसलिए इन चीजों में ध्यान रखिएगा। आपको गूगल में नहीं होगा कि आप 24 घंटे के लिए छोड़ दो, यूट्यूब में किसी वीडियो में नहीं दिखाया गया होगा, वो तभी आता है जब आप अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे। फिर आप क्या है, आपने 24 घंटे के लिए छोड़ दिया, ऐसे पूरा फैला दिया। तीसरा दिन परसों का, परसों हम एक भूसे की करेंगे स्पॉनिंग यानी कि बिजाई। आप उस बिजाई में क्या करेंगे, वो इसका सेकंड पॉइंट है, अभी तक आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट भी चला आ रहा था, ठीक है ना। अब आप लोगों का सेकंड पॉइंट है स्पॉनिंग। मशरूम का जो बीज होता है उसको हम स्पॉन बोलते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में स्पॉन, और इसका मतलब होता है मशरूम सीड। स्पॉन या स्पॉन जो होता है वो मशरूम का क्या होता है, बीज। पर आप ये बात याद रखिएगा कि इसको आप स्पॉन बोलिएगा, मशरूम का बीज नहीं। आप कहीं किसी को ऑर्डर दोगे और आप बीज शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि आप लोग इतने टेक्निकली साउंड नहीं हो, वो आपको बेकार या जो मटेरियल अच्छा नहीं होगा आपको वो भी दे सकता है।
सो हमेशा कंट्री मशरूम के स्वान ही बोले जाते हैं, स्वान ये याद रखिएगा। बीज के बदले आपको क्या बोलना है? स्वान। जो पॉलीबैग का साइज होगा वो कितना होगा? 16x18। चलो भाई 18 की बनी। आप मशरूम एक ऐसी चीज है उसमें कभी नहीं होता कि मेरा मन किया या मैंने ऐसा कर दिया। आप अपने हिसाब से कभी भी मशरूम में कुछ भी मत करिएगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसका रीजन, उसका कारण होना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया। मैं आपको जो ये एक एक चीजें यहाँ पे बता रही हूँ ना, उस एक एक चीज का कारण है, उसका रीजन है, और वो भी टेक्निकल रीजन है कि ऐसा ऐसा इसलिए करना है, इसके अलावा ऐसा नहीं करना। पर अगर उसमें डीपली घुस गई तो आप लोग अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेटर है ज्यादा कंफ्यूज करने के बजाय मैं आपको सिस्टमेटिक पैटर्न से कुछ चीजें बताऊं जो कि आपको मशरूम की खेती में फॉलो करनी है। अच्छा बोला मैं घर का साइज मैंने आपको इसलिए बताया कि आप यूट्यूब या गूगल में देखोगे अगर इंटरनेट में, तो 10 किलो 15-20 किलो के भी बैग बने होते और कुछ इसलिए मतलब पाइप की तरह सिलेंडर की तरह होते और बहुत लंबे होते। उसमें ये होता है कि जहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है, बहुत डाउन होता है, जहाँ स्नोफॉल होती है बाहर दूसरे देशों में, वहां पे इस साइज के बैग बनाए जाते हैं। पर हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है और इंडिया में जो जो वेरिएशन है टेम्परेचर में, एकदम से ठंडा एकदम से गर्म, इसके हिसाब से आप 16x18 का ही साइज को छोटा बैग देखो। टेम्परेचर अगर ज्यादा जाता है तो आपका सब कुछ खराब हो जाएगा, मशरूम आपकी उगेगी नहीं, सारी मशरूम खराब हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर डाउन जाता है तो कोई नुकसान नहीं होगा, तो 14-15 दिन में जो काम होना है वो 20-21 दिन में हो जाएगा, पर खराब नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर है कि ज्यादा टेम्परेचर आप ना बढ़ाओ, छोटा साइज हो जिसमें कि आपका टेम्परेचर भी ज्यादा ना बढ़े। जब आपको आ जाए बहुत टेक्निकली साउंड हो जाओ, जब आपको जो साइज लेना है वो ले लो, बट ये मेरी आपको से रिक्वेस्ट है आप 16x18 की साइज से ही ट्राई करो। नहीं तो आप ट्राई लोगे मशरूम से, मशरूम आपसे ट्रायल ले लेंगे, ठीक है ना, संभाल नहीं पाएंगे बहुत सारी चीजें। सबसे पहले 16 टेम्परेचर अभी बताऊंगी नेक्स्ट टाइम। आप पॉलीबैग का साइज होगी 16x18। अब स्पॉनिंग यानी कि मशरूम की जो बिजाई जो स्पॉनिंग हम बोलते हैं, स्पॉनिंग वो दो टाइप में होती है, एक होती है लेयर स्पॉनिंग और एक होती है मिक्स स्पॉनिंग। तो ये दोनों ही मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हम लोग मिक्स स्पॉनिंग करेंगे, लेयर नहीं करेंगे। लेयर में आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लेयर भी एक टाइप एक तरह की स्पॉनिंग होती है जो की आपको पता होना चाहिए। आप कहेंगे ये तो मिल्की मशरूम है, उसमें लेयर स्पॉनिंग का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, तो हम लोग मिल्की में हमेशा लेयर स्पॉनिंग करते हैं। पर ऑयस्टर मशरूम में लेयर स्पॉनिंग करो या मिक्स स्पॉनिंग करो, थोड़ी बीच का फर्क होता है, ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता, ना के बराबर का फर्क होता है। तो हम लोग ज्यादा हेडेक नहीं लेते और सिंपली मिक्स स्पॉनिंग करते हैं। तो आप लोग कल या मिल्की मशरूम में मिक्स स्पॉनिंग करेंगे, पर लेयर स्पॉनिंग भी बहुत जरूरी है, आगे जाके आपको काम आएगी। तो बेटर है कि आप उसको भी समझिए और उसको भी नोट डाउन करिए। स्पॉनिंग में ही आएगा सारा। सबसे पहले आपकी लेयर स्पॉनिंग, परत दो लेयर मतलब परत होती है ना, एक परत दो परत तीसरी परत। अब आपने बैग का साइज दिया इसकी दोनों पार्ट काट दिए, काटने के बाद क्या किया आपने, ये जो कोने हैं ये काटने हैं, बहुत जरूरी है ये आप इसलिए काटेंगे क्योंकि अगर इसमें थोड़ा भी पानी सही से बच जाता है तो यहाँ से वो सारा निकल जाएगा, इन शेष से पानी पूरा निकल जाएगा। उसके बाद आपने दूसरा लिया बीज लिया, फिर बीज लिया, तो
एक भूसा एक बीज, एक भूसा एक बीज करके आपको लेयर बनानी, एक दो तीन चार, पहली लेयर भूसे की होगी और आखिरी लेयर भूसे की होगी। और बीज की लेयर कितनी होगी, यानी कि स्पॉन की जो लेयर होगी वो कितनी होगी, तीन। भूसा स्पॉन, भूसा स्पॉन, भूसा स्पॉन और लास्ट में स्पॉन। और आपको फिर इसकी चोटी बांध लेनी ऊपर से रबर बैंड से। ये आप परसों करेंगे अपने आप से, खुद से आप प्रैक्टिस करेंगे इसका तो। तो एक और चीज, आपकी जो स्पॉलिंग यानी कि जो बिजाई है, किनारे तरह से छिड़केंगे और कितने भूसे में कितना बीज गलेगा आपका, ये इम्पोर्टेंट है। ये जो आप भूसा इस्तेमाल करेंगे तीसरे दिन, ये जो जीरा भूसा है, भूसे का जो वजन है वो तीन गुना बढ़ चुका है, 50% मॉइस्चर हो गए भी। ये भूसा गीला है, ये वेट है, ड्राई नहीं है। तो ड्राई आपने कितना लिया वो आपको याद रखना है। तो जितना आपने ड्राई लिया है उसके हिसाब से सूखे भूसे में आपका 10 किलो सूखे भूसे में 1 किलो बीज जाएगा। ड्राई के हिसाब से 10 किलो सूखे भूसे में 1 किलो बीज जाएगा। और कुछ भी कहते कि तो मेरा बैग कोई लेयर स्पॉलिंग कर रहा है वगैरह, मुझे अंदाजा नहीं लग पा रहा। तो जो लेयर का ये जो पैकेट है ना, ये अगर आपका जो लेयर है मतलब बैग है, जो गीला भूसा है उसका 2.5% यानी कि 2.5% 10 किलो सूखे भूसे में 1 किलो बीज जाएगा। ये आपको याद रखो सिंपली कि 10 किलो सूखे भूसे में 1 किलो बीज। आपने 100 क्विंटल सॉरी आपने 1 क्विंटल भूसा लिया तो आपको बीज कितना चाहिए, 10 किलो। 2 क्विंटल लिया तो 20 किलो, 3 क्विंटल लिया तो 30 किलो। मिनिमम टू मिनिमम, कम से कम आप अपना अपना खुद का यूनिट सेटअप करेंगे एक छोटे कमरे में, तो भी आपको 3 क्विंटल भूसे से शुरुआत करनी है, ताकि आप सब्जी वाले को रोज दुआ सलाम देकर आओ, हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल तो बोलो, शक्ल तो दिखाओ। ये स्पॉनिंग है, ये बिजाई का तरीका, ये बहुत जरूरी है। पर अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पे परसों करेंगे, बैच बनाएंगे हम, इस तरीके से बनाएंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग करेंगे मिक्स स्पॉनिंग। एक लेयर बनाई थी, अब आप लोग नोट करिए, दाल और खिचड़ी बनाते हैं ना आप लोग, दाल और चावल को मिलाते हैं पूरा, सेम आपको यही करना है। बिल्कुल 2 क्विंटल भूसा होगा, यहाँ पे 20 किलो बीज लाएंगे, पूरा भूसे को फैलाया, उसके ऊपर पूरा बीज पहले फैलाया, छिड़कते हैं ना बीज जैसे, पूरा भूसे के ऊपर बीज छिड़का, फिर उसकी मिक्सिंग करी, पूरा भूसे में उस बीज को मिला दिया, सिंपल ठीक है ना। अब मिलाने के बाद आपने ये बैग लिया, उसके दोनों कोने काटे, कोने काटने के बाद आपने उसका बीज सारा मिला दिया और मतलब क्वांटिटी सेम होगी, सेम बैग का साइज भी सेम, कुछ नहीं बदलेगा। आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, आप जब भी मशरूम लगाते हैं चाहे आप लेयर स्पॉनिंग करें या मिक्स स्पॉनिंग करें, आप हवा कहाँ से जाएगी यहाँ पे, हमने ऊपर से बांध दिया, एयर पास होने की जगह नहीं है, आप इस पे छेद करेंगे तो एयर पास, जिससे एयर पास होगी, पर आप इसमें थोड़ा बदलाव डाला है। अगर आप साइंटिस्ट के पास जाएंगे या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाएंगे या यूट्यूब पे भी देखेंगे, वो कहते पन्नी हार गई, कब हार गई पन्नी, अभी तो अभी आपने बैग बनाया 14-15 दिन के लिए आप ये अंदर रखेंगे, वो देख रहा होगा उसके बाद आएगा, मैं आपको पूरा समझाऊंगी उसके बाद, जब पूरा इसका जो माइसिस है मतलब फंगस है वो पूरा फैलेगा, जब वो फैलेगा और जब फसल निकलने का टाइम आता है तो वो लोग पल्ली हार देते हैं, ऐसा नहीं करता, पल्ली नहीं मारती। एक तो क्या होता है, पल्ली मारने से पानी देखो ज्यादा डालना, मशरूम की ऐसी खेती से ही कम पानी लगता है, अगर नॉर्मल खेती में 100 लीटर पानी लगता है तो मशरूम में 20 लीटर पानी लगता
और ये जो तरीका तुम्हें मेरी मम्मी नहीं फाड़ना, इसमें आप करीबन 5 लीटर पानी लगेगा, आप काफी पानी बचाओगे, 5 लीटर से भी कम लगेगा। मतलब मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ, आपको पन्नी नहीं फाड़नी है, मुझे भी पन्नी फाड़ देती है, पानी डालना आता नहीं, मैं वो चारों तरफ से डाल रही हूँ, बटन हो गया, मिल्की हो गई और मशरूम भी होता है, पर उसकी पन्नी ऊपर से खोलते फाड़ते नहीं है, फिर उसमें केसिंग करते हैं, उसके ऊपर हम पानी छिड़कते हैं, वो तरीका ठीक है, उसमें केसिंग नहीं, उसकी पूरी पन्नी फाड़ देते, चारों तरफ से मशरूम आती है और वो दूसरा तो भीगेगा भीगेगा, बाद में मशरूम पहले भीग जाती है और ज्यादा पानी की वजह से मशरूम पूरी सड़ जाती है, गल जाती है और छोटी 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 आती है, क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है। तो आप लोगों ने दूसरे आपने पहली बार शॉप को क्वालिटी मैच नहीं मान रही, दूसरी बात जो आप ये छेद करेंगे ना हवा के लिए, इन्हीं छेदों में से आपके बड़े बड़े गुच्छे आएंगे। आप ये फोटो में भी देख सकते हैं, ये जो बड़ा एक गुच्छा है वो इतने छोटे से छेद से निकला है, पन्नी नहीं फाड़ी है उसकी, इतना छोटा सा छेद है, इसमें से पूरा का पूरा गुच्छा भर आया है। और यही करना है आपको, जो ये आप होल जो ये छेद करेंगे, पहला तो हवा आर पार जाएगी इन छेदों से, दूसरा आप एंड तक अपनी पॉलिथीन बैग नहीं फाड़ोगे, इसमें से आपकी मशरूम बाहर आएगी। जैसे ये छोटा सा छेद है, मशरूम अभी इतनी नहीं है, फिर वो छेद इतना तो इतना ही रहेगा, मशरूम और बड़ी हो जाएगी, फिर छेद इतना ही है, मशरूम का साइज बढ़ता जाएगा, छेद इतना ही है, मशरूम बढ़ती जाएगी। और जब छेद बताती छेद आपको कम से कम 12 से 14 छेद करने हैं, और छेद भी दूर दूर करने हैं, पास पास नहीं, एक छेद आपने यहाँ कर दिया, एक छेद यहाँ कर दिया, जब मशरूम बाहर निकलेगी तो एक दूसरे से टकराएगी और एक ही आगे बढ़ पाएगी, एक खत्म हो जाएगी, तो एक छेद यहाँ तो एक छेद यहाँ दूर दूर, ताकि ये वाला गुच्छा भी निकले और ये वाला गुच्छा भी पूरा बढ़े, उसको प्रॉपर जगह मिले बढ़ने के लिए। तो एक छेद यहाँ तो एक छेद यहाँ, एक छेद यहाँ तो एक छेद यहाँ, एक छेद यहाँ तो एक छेद यहाँ, इस तरीके से 14 से 12 से 14 आपको होल्स करने हैं, 12 से 14 छेद आपको एक पन्नी में करने हैं, लिख लीजिए करीबन 12 से 14 छेद एक पन्नी में करने हैं, और दूर दूर करोगे आप लोग। ये परसों आपको फिर से दिखाया जाएगा जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पानी जब मशरूम बाहर निकलेगी तो बाल कटवाने के लिए हम लोग जाते हैं तो नाई क्या है, हमारे बालों में स्प्रे करते हैं हल्का हल्का पानी, उतना ही स्प्रे करना है, क्योंकि आपने पन्नी फाड़ी नहीं है तो उसका पानी उड़ा नहीं है। और जब मशरूम उसमें से बाहर आएगी और वो एयर के कॉन्टेक्ट में आएगी तो उसका पानी उड़ेगा ना, तब आपको उसमें पानी डालना है। पर याद रखना एक चीज, पानी जब भी मशरूम में डालो उसके बाद उसको हवा देनी है, जो पानी डाला है उसको उड़ाना भी है, अगर हवा नहीं दी कमरे की खिड़की दरवाजे बंद करें तो वो भी गलने लगती है। कोई सी भी मशरूम हो, हम पानी जब भी देते हैं तो उसके 1-2-3 घंटे तक हम उसको लगातार हवा देते हैं। हवा कैसे देनी मैं बताऊंगी आपको, है ना, होल्स आपके परसों ही हो जाएंगे, आप जब बैग बनाएंगे साथ साथ में होल्स भी होंगे। आप क्या हो, आप लोगों ने यहाँ पे बैग बनाए, आप 4-4 बैग अपने घर लेके जाएंगे, नेक्स्ट आप हर कोई एक बंदा 4-4 मशरूम के बैग जो आप बना रहे हो वो अपने घर लेकर जाएंगे। इसके अलावा नॉर्मली क्या होता है, लोग घर ना ले जाके एक कमरा पूरा सेटअप तैयार करते हैं मशरूम का, उस कमरे के अंदर वो शिफ्ट होता है। तो अब नेक्स्ट 3 दिन तो आपने हमारे साथ बिताए, आपने बैग बना दिया, उसके बाद आपको क्या करना ये है, तो उसके बाद मेरी बैग है वो मशरूम का जो प्रोडक्शन रूम होता है उसको प्रोडक्शन रूम बोलते हैं, क्रॉपिंग रूम बोलते हैं, जहाँ पे की मशरूम की खेती होगी इस कमरे के अंदर, उस कमरे के अंदर इसको शिफ्ट करा जाएगा पूरा। और वो उसी कमरे के अंदर पूरा 14 से 15 घंटे बंद रहेगा, कुछ नहीं देना, कमरा बंद रहेगा। और उसको हम बोलते हैं फफूंद का फैलना, उसकी जो फफूंद होगी फंगस उसका फैलना, या इसको बोलते हैं माइसीलियम रन।